शशि बस बस की कहाँ है तेरे साथे साहब? अरे वो आएगी, लेकिन पता नहीं क्यों आज जाने में देरी होगी। नहीं तेरी तरह किसी और में चाय की अपॉइंटमेंट तो नहीं देती ना? श्री जो कर रहा है ना वही करता है। ठीक है। अरे शशि बेटा, अरे दस बज गए, कब आएंगे तेरे साहब? साथे वो आएंगी, आप कहीं जा रहे? हाँ भीम नगर झोपड़पट्टी जा रहा है वो, अशोक मोरे ने बैठक बुलाई है। वहाँ नहीं जाओगे तो बिगड़ने वाला है। आपका तो रोज का ही कार्यक्रम है, बाहर से कोई आ रहा है तभी तो रुकिए। आज तो रुक जाओ ना। रुकिए ना थोड़ी देर, साहब भी आएंगे आपसे परिचय हो जाएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा बाबा, तो कहती है तो 10 मिनट रुक जाता हूँ। बस केवल 10 मिनट आप क्या? इसका तो बंद करना साहब के सामने मांगने लगता है। अभी क्या माँ से मान लो। आई शशि लगता है तेरे साहब आ गए दरवाजे पे। साहब आ गए? अरे अशोक मोरे, सही लग गया। आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था भाई। तात्या, हाँ कल मैं यहाँ पे गया, संदेशा मिल गया होगा आपको। संदेशा? हाँ हाँ मिल ही गया। बताइए तैयारी कैसी चल रही है? अरे उसी पर तो डिस्कस करना है आपसे। अरे क्या डिस्कस करते हो, कितने दिन बचे रह रहे हैं भाई, पत्रिका छपवा कर बटवा दो। यहाँ देखिए इस तरीके से छपाया है, यहाँ पर देखिए। अच्छा हाँ, अलबत्ता ये हुआ कि छपवा कर तुमने बहुत अच्छा किया। अंतर जाति विवाह ही जाति निर्मूलन का एकमात्र उपाय है। तुम्हें पता है अशोक मोरे, बाबा साहेब का भी यही मत था। हाँ तात्या, उन्हीं का वाक्य तो कोट किया है मैंने। हाँ वो तो ध्यान में आ ही गया। तुम्हें विशेष रूप से कहता हूँ, मैं हमेशा से उसके वाक्यों पर चलता है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारे जैसे दलित युवकों को इसके बारे में अधिक सोचना चाहिए, अपनी ही उपजातियों में विवाह कराने चाहिए, तब जाकर कुछ उपाय निकलेगा। सच क्यों तात्या, आप जैसे समाजवादी सुधारक के साथ हम लोगों को काम करने को मिलता है, यही हमारे लिए क्रेडिट की बात है। अरे इसमें क्रेडिट की क्या बात, ये मेरा कर्तव्य है। उसके लिए भी तो बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है ना तात्या। हाँ ये बात तुमने बहुत सही कही, लेकिन इतना त्याग करने के बावजूद भी तुम ही में से कुछ लोग मेरी निष्ठा के प्रति संदेह करते हो। अब परसों के शिविर की बात को ले लो, मैंने जरा सा कह दिया कि पिछड़ों को उनका हक मिलना चाहिए, उड़ते चप्पलों की बारिश हो गई। हाँ तात्या, ये मैंने पेपर में पढ़ा था। मेरी ही तरह एक कोंकणस ब्राह्मण भी इसी कार्य में लगा हुआ है, उसका भी विरोध कर रहे हैं, पता नहीं क्या चाहिए इन लोगों। तात्या ऐसे समय आपको बुलडोजर की भूमिका निभानी चाहिए। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पिछले 20 वर्षों से बुलडोजर बन के ही खड़ा हूँ मैं, किसी से डरा क्या कभी? नहीं। महात्मा फुले और बाबा साहब के परंपरा को बढ़ाने के लिए बाहुओं में शक्ति तथा मस्तक में बुद्धि की आवश्यकता होती है। वाह तात्या वाह, लाखों में एक बात कही आपने। अशोक मोरे, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, जब तक तुम जैसे पिछड़ों को उनका हक दिला नहीं देता तब तक लड़ूंगा इस समाज से अंतिम सांस तक। शशि तो हमारा घर पसंद आया आपको?
पसंद ना आने का सवाल ही नहीं उठता। वैसे तातिया, ये बाड़ा काफ़ी ऐतिहासिक लगता है। ऐतिहासिक? जी ऐतिहासिक ही है, हमारे माई के पूर्वज पेशवाओं के दरबार में सरदार थे, उनकी वीरता की निशानी है ये वाला। क्यों तातिया? अरे वाह, वैसे ये बात बिल्कुल सच है कि पेशवे बहुत ही अच्छे हैं। अच्छे देखा मतलब क्या? माई तो कहती कि पेशवाओं का युग महाराष्ट्र का स्वर्ण युग था, अर्थात इस संबंध में मतभेद के अधिक गुंजाइश है। क्यों तातिया? हो गया आपका? हाँ भाई, चलिए। सर साठे साहब जी, कहाँ ठहरे हैं? जी निश्चित कोई जगह नहीं है, फिलहाल एक दोस्त के घर पर रुका हुआ। क्या कह रहे हैं, निवास की दिक्कत है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर बात ऐसी है तो इस बाड़े में रहने की क्या है? क्यों तो है, कोई आपत्ति? हाँ हाँ आप आ सकते हैं, वैसे आप अकेले हैं या फैमिली? नहीं मैं अनमैरिड। फिर क्या, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको। जैसे साजे साहब आपके गृह बड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो क्या ना अभी कल ही की बात है, एक कमरा खाली का, क्या सही समय पर आए? क्यों तात्या? हाँ हाँ वो हमारे बाड़े में कुलकर्णी साहब थे, दो दिन पहले ही खाली करके गए हैं। हाँ और अगर कोई कमरा खाली ना भी होता ना, तो भी अस्थायी रूप से हम आपकी सहायता कर ही देते। क्यों तात्या? हाँ ऐसे मौके पे एक दूसरे की सहायता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ मेरा भी यही कहना है, एक ही जाति बिरादरी के लोगों को इन दिनों निकट रहने की जरूरत। अब हमारे बाड़े को देख लीजिए, 15 से 20 परिवार इस बाड़े में रहते, सबके सब ब्राह्मण है। आप भी आइए, ब्राह्मण बाड़ा आपका स्वागत करेगा। क्यों तात्या? स्वागत तो करेगा। हाँ जी, अब आपका इतना आग्रह है, सहयोग हो तो नकारने की हिम्मत खुद क्यों करेगा, लेकिन फिर आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आपको एडवांस देना पड़ेगा। अरे एडवांस इसकी क्या जरूरत है साथे साथ? नहीं अरे अरे आप मराए थोड़ी हो, आप पहले यहाँ रहने आ जाए फिर देखा जाए। पर एडवांस लेने में दिक्कत क्या? जी मैं भी तो वही बोल रहा था, अगर मैं कहीं और कमरे ले लेता तो एडवांस लेने पड़ता ना मुझे। इतना आग्रह कर रहे हैं तो ले लीजिए, लीजिए हलवा लीजिए, खास आपके लिए सचिन ने बनाया। जी आप लोग भी लीजिए ना। हाँ हाँ ले लेते हैं। साथे साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं सुना, वैसे हमारा मूल गांव कोकड़ में है। अच्छा हम भी वहीं के ही है। आप हलवा लीजिए। हाँ अच्छा बना है, काफी अच्छी कुकिंग है। आप पहले यहाँ रहने तो आ जाइए, फिर पता चल जाएगा। आप समझिए कि मैं यहाँ पर रहने के लिए आ ही गया हूँ। अच्छा जी अब मैं निकलता हूँ। क्यों? खाना खाके जाइए ना। अरे नहीं खाने की जरूरत नहीं है, हलवे से पेट भर गया है। अपना सामान लेके आ रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ पर रहने के लिए आ ही रहा हूँ। जा अरे उन्हें जाने तो दीजिए पहले। साहब अपनी बेटी पर बहुत खुश है, इधर आइए ना। आप नहीं जाए, देखिए अपनी बेटी का तो बहुत अच्छा हो जाएगा। साहब एमए है, ऊपर से क्लास वन अधिकारी, और अपने बिरादरी का भी है कोकड़स्थ, और बाड़े में सबको लगेगा बेटी का दिखाने का कार्यक्रम हुआ था। कैसा लगता है? ठीक लगता है। जोड़ा कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। देखिए एक बात कह दे, जब साहब बाड़े में रहने आएंगे ना तो आपका अपना स्वभाव बदलाव करना पड़ेगा, उनके सामने दलित कार्यकर्ता को लेके मत बैठिए, समझ गए? हाँ समझ गया। और एक दो दिन में साहब को पूछ लेना बेटी के बारे में, आगे का सब कुछ बेटी देख लेगी। अब फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा बस। समझ गए? तू आ गया? बाहर साहब गए क्या? अरे शशि शर्मा तो प्राइवेट बात कर रहे हैं।
तुमने? अरे प्यार की बात नहीं, प्राइवेट बात, ऑफिस की बात है। अच्छा, मैं लिखे देखना, तुम लोग क्या बात कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, अपना बड़ा बहुत भाया हूँ। अरे क्यों नहीं भाएगा, मेरे पास दादाओं की वस्तु है, क्यों नहीं भाएगा? और क्या बोले? बोल रहे थे कितने ढंग से सजाया गया ये बाबा। तूने बोल दिया ना शशि सजा दिए। ए माई शशि, कब करती सजावट? और क्या बोलता? कहा कि शशि के कारण ही आप सबसे मिलना हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। सुना आपने? अरे रेलिया छोड़िए ना, अच्छा लगा। और हम दोनों के बारे में कुछ कहा ना मैं? क्या कहा? कहा कि आपके माता पिता बहुत ही प्रगतिशील विचारों के हैं। देखा, कहीं नजर में आपको पहचान गए। हाँ भाई, समाज सुधारकों के चेहरे इन दिनों सिपाही नहीं छिपते। सही बात है। और क्या कहा? कुछ नहीं, कहा कि आपके माता पिता दलितों के प्रति बहुत ज्यादा आत्मीयता रखते हैं। मतलब साहब दलित? अरे हिंदू ही है भाई, क्या बोल रही? अरे देश भर में हिंदू है, पर अपने साहब तो कोकणस्थ अपनी बिरादरी का है ना। उतना नहीं सुन रहा शशि। भाई आपको कुछ गलत फहमी हो गई। क्या गलत फहमी हो गई? साहब दलित है। क्या दलित? हे भगवान, पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि आपको। इसमें हैरानी की क्या बात है, दलित हो या ब्राह्मण हो क्या फर्क पड़ता है? एक दलित ब्राह्मण वाले में रहेगा? भाई हमने उसे एडवांस लिया है। अरे पर एक दलित ब्राह्मण वाले में क्यों आगे रहेगा? तो क्या हो गया भाई, वो भी अपनी तरह सुसंस्कृत है, शिक्षित है। अरे दलित और शिक्षित, अरे बहुत हो गई तारीफ, पहले बताया होता ना तो इतना घोटाला नहीं होता। समझ रहा क्या हुआ है? इन दिनों कोई भी कहीं पर भी रहता है, क्यों दाता? हाँ वैसे भी तो तात्या दलितों के बीच में ही काम करते हैं ना भाई, है ना? बाहर के बाहर, भीतर नहीं, बिरादरी वाले को पता चल जाएगा, मुंह काला कर देंगे। माई साधे की जाति मालूम होने से पहले साधे तुम्हें ब्राह्मण ही लग रहे थे ना, दलित कहने पर अचानक कौन सा परिवर्तन होना? अब तू उनका वकील क्यों बन रहा है? मैं साफ साफ शब्दों में कह देती हूँ, इस वाड़े में भी तुम्हें जगह नहीं दूंगी। और उनका एडवांस? अरे वापस कर दे, या तो कह दी जो वो कुलकर्णी कमरा वापस खाली करके गए थे वो वापस आ गए हैं। माई माई तू शांत हो जा, अगर हम अपना निर्णय इतनी तेजी से बदलने लगे ना, वो शशि के हित के विरुद्ध होगा। वो उसका बॉस है, नौकरी से भी निकाल सकता है, समाज। मुझे सब पता है, उसे नौकरी से निकाल देने तो हम रस्ते पे नहीं आने वाले हैं। ऐसी नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, किसी दलित को लाने के लिए नौकरी पे नहीं भेजा था। भाई अगर वो ऑफिस तक सीमित रहे तो ठीक है, कहीं उसने इसकी शादी में अड़चन पैदा कर दी तो? वो कौन है? ना अपनी जाति का, ना अपना बिरादरी का, तू उसके लिए तू इतना वकील बन रहा है तू? सच कहूँ मैं, ये सब मैं तात्या गीत में कह रहा था, तुमको उसने इनके खिलाफ गलत गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर दी तो? फैलाना नहीं, उनको इनकी आदत हो गई। ठीक है, कल उसने समाचार पत्र को रिश्वत देकर ये कहा कि तात्या झूठे समाज सुधार है तो? श्रीकांत, समाज अच्छी तरह से जानता है मैं कौन हूँ। तात्या मैं उस संबंध में बिल्कुल नहीं कह रहा था कुछ भी, मैं आपकी समाज सुरक्षा के संबंध में। मेरी सुरक्षा की चिंता करना तो छोड़ दे, इस बाड़े की दीवारें अभी जिंदा हैं। देखिए तात्या, इस बाड़े की दीवारें चाहे जितनी भी मजबूत रही हो, लेकिन अगले 10-15 वर्षों में तो ये बाड़ा टूट ही जाएगा ना, फिर कौन करेगा आपकी सुरक्षा? प्रतीक्षा, उसी क्षण की प्रतीक्षा करो, ऐसा दीपक जन्म लेने की बात तो यही होगा ना। पर मैं कह देती हूँ, इस बाड़े का एक पत्थर का चिमटी पर मिट्टी भी नहीं मिलने दूंगी, याद रखना। ये तू बोल रही है माई? क्यों घबराती हूँ क्या किसी से? अरे तू किसी से नहीं घबराती, मैं जानता हूँ, पर अभी कल ही की बात थी ना, उस जोशी जी के नाम पर ये बाड़ा लिखने को तैयार है, उसका क्या? बाड़ा किसका है? बाड़ा मेरा है, आप दोनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसका क्या करना वो मैं ही सोचूंगी। बताते हैं समाज सुधार का क्या? समाज सुधार? अरे दलित को बाड़े में जगह देने से समाज सुधार हो जाएगा, और बाड़े में जगह नहीं देने से समाज सुधार बंद हो जाएगा। भाई तो समझ में नहीं कह रहा था, परंतु क्या परंतु? कुछ नहीं, दलितों की चिंता पर सरकार को करने के सरकार को तुझे और मुझे करने की जरूरत नहीं, खुद के अस्तित्व का विचार करो, बस हो गया। इसमें अस्तित्व का प्रश्न कहाँ उठता है, उनको रहने के लिए जगह चाहिए बस। हाँ। मैं अंतिम बार कह रही हूँ, उन्हें दलितों को बाड़े में जगह नहीं दूंगी, मतलब देखिए सुन लेना। मतलब माई तू उन्हें बाड़े में जगह नहीं दी? तू क्यों पूछ रही है? कभी तो तुझे कह ही देना है। अब तू क्या नया कहने वाली है? माई अगर तूने साठे साहब को इस बाड़े में जगह नहीं दी तो
मैं भी ये बाड़ा छोड़कर चली जाऊंगी। जैसे हाथ आते साठे साहब केवल मेरे साहब नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं इसीलिए मैंने तुम्हें चाय के लिए बुलाया ताकि आप सबसे परिचय हो जाए। लेकिन मरने का ही मान तूने हमारे मुंह में ताला खोल दी, तू और गली शिव 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 माय 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 बैठ। मेरा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ पर इस वक्त शशि की बात मान लेने में हमारी भलाई है, समझ? अरे क्यों लेने नहीं तेरे भले, तू उसके आगे क्यों बन रहा है और उसे अपनी विवाह का निर्णय लेने में बिल्कुल समझ, वो खुद से अपना विवाह का निर्णय नहीं ले सकती, मैं कह रही हूँ। मैं खुद का निर्णय क्यों नहीं ले सकती, मैं खुद के भविष्य का निर्णय क्यों नहीं ले सकती जो जीवन की आखिरी सांस तक मुझे सुखी रख सकेगा, जिसके संबंध में मुझे पूर्ण विश्वास है। यानी साठे से अगर मैंने प्रेम किया तो तेरे बिरादरी के और जाति के अजगर हम दोनों को निकल रहे आएंगे ना, क्योंकि यही तो है बाड़े की परंपरा। क्यों माई किसी दलित को बाड़े में जगह देने की हमारी परंपरा नहीं है। ठीक है आपका मत है क्या सुनता है जो मेरा मत वही उनका मत, आवाज बंद कर दो। ठीक है इस घर की ये भी एक परंपरा है तात्या, बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ देने वाला ये बुलडोजर इस तरह खामोश हो जाएगा तात्या? आश्चर्य है ना, पिछले 20 वर्षों से आप समता की भाषा बोलते हैं इस बामन बाड़े के बाहर, और आज जब घर की परंपरा की बात आ गई तो आप माई के मुख से बोल रहे हैं। एक मिनट, मैंने अभी तक कुछ कहा नहीं है। शशि तुमने क्या निर्णय लिया है? तात्या कल ही हम दोनों ने रजिस्टर पद्धति से विवाह कर लिया। क्या शादी कर ली? देखा आपका परिवर्तन, गुलाब सिंह ने शादी कर ली, एक दलित से शादी कर ली, हे भगवान अब हम कहां बात छुपा करके मत मरने गए क्यों, वे भी जाके मर